मैं तर्जुमान मिल्लत न्यूज़ का दिल से मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और आम से हमारे मसाइल के हवाले से कुछ पूछ गछ की कि क्या हालात चल रहे हैं। कोरोना के दौरान तमाम प्राइवेट सेक्टर एक ऐसी चक्की में पिसा है कि इनका वापस उठना और अपने पांव पे खड़े होना महाल नज़र आ रहा है। इस दौरान तकरीबन 50% इदारे ऐसे हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं और जो बाकी रह गए हैं, उम्मीद की जाती है कि अगर कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है तो वालदेन का तावन रहता है, हुकूमत का तावन रहता है, तो ये इदारे वापस अपनी बहाली की तरफ आ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं हम, सारा प्राइवेट सेक्टर ऐसे मसाइल से दो चार है जिसमें गवर्नमेंट की पुश्तबानी की अशद ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई फ़ंड रिलीज़ करे, जो इदारों को कोई ऐसा लोन पॉलिसी दे जिससे वो इदारे अपने बहाली की तरफ वापस आ सकें और अपने आप को वापस उस पोजीशन की तरफ लाएं जो उनकी पहले चल रही थी। इससे पहले कि मुझे तारफ़ करवाना था, मेरा नाम मतलूब हुसैन शाकर है, अस्करी स्कूल्स इस्लामिक कैडर कैंपस फौजी कॉलोनी में बतौर प्रिंसिपल और चीफ एग्जीक्यूटिव अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे वालदेन से ये गुजारिश है कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ भरपूर तावन करें, अपने बच्चों को अब स्कूल की तरफ वापस भेजें ताकि तालीम की बहाली का सिलसिला वापस आ सके और बच्चे अपनी उस रूटीन पे आ सके, क्योंकि बच्चे तकरीबन 20 साल पीछे चले गए हैं। इस कौम के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह इनके लिए बेहतरी लाए और आइंदा इस जैसी कोई ऐसी वबा दोबारा कोई उमड़ कर ना आए जिससे हम फिर इस तरह वापस कई साल पीछे चले जाएं। और हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि वो इदारों पर रहम व करम करे, इनके लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी तरतीब दे कि ये इदारे अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ये इदारे जो है कितने अनएम्प्लॉयमेंट के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस कौम को पढ़ाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीबन 60% बोझ प्राइवेट तालीमी इदारों ने उठाया हुआ है और गवर्नमेंट के तालीमी इदारों का गवर्नमेंट को बखूबी इल्म है कि वहाँ से कितनी प्रोडक्शन है और प्राइवेट सेक्टर अपना कितना बड़ा किरदार अदा कर रहा है। अगर हुकूमत वक्त ने पुश्तबानी न की तो वो हुकूमत वक्त तो पहले ही अपने इदारे चलाने से कासर है, उनका बजट पूरा करते हुए उन्हें परेशानी और पशमानी का सामना है। तो ये इदारे भी अगर बैठ जाते हैं खुदा न खास्ता, जो इस कौम को बहुत कम पैसों में तालीम दे रहे हैं, अगर गवर्नमेंट एक बच्चे पर 10 से 12 हज़ार माहाना खर्चा कर रही है तो वहाँ पे हमारे ये छोटे इदारे, स्मॉल लेवल के जो इदारे हैं, ये 1000 से 2000 फीस के दरमियान इस कौम को तालीम से मुस्तफीद कर रहे हैं। इसलिए गुजारिश ये है कि इन इदारों से मुकम्मल तावन किया जाए और वालदेन भी इदराक करें, वो भी इस बात को समझने की कोशिश करें कि इन इदारों का किरदार कितना अहम है इस कौम के बनाने में। इसलिए गुजारिश है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो प्राइवेट तालीमी इदारों के साथ मुंसलिक हों और अपना अपना कलीदी किरदार इन के साथ जारी रखें अपना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا نبي نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کدھر کا ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے نعتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ کدھر کا ہوں میں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتے نعتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش محلہ بنا محلہ دیت کو رب نے بلایا عرش تلکنا عرش تلک نہ ہوگا کسی کا آپ سا نہ جانا اے حسنین کے نانا